हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो अभी 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो वहां पे कर नहीं पाया मैं रिकॉर्डिंग वगैरह। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी में कल किस अकॉर्डिंग मोमेंटम आ सकता है। तो निफ्टी देखा है तो अभी डेली नया हाई बना रहा है अभी इस टाइम पे, पर लास्ट मोमेंट पे क्या होना रहा है, जो नेगेटिविटी आ रही है ना लास्ट मोमेंट पे आधे घंटे में या 15 मिनट में, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि टॉप पे सस्टेन नहीं कर रहा। आप ही देखिए कल भी ये हुआ था, मार्केट गया टॉप पे पर लास्ट मोमेंट पे वहां पे आप देखेंगे मतलब 11:45, मतलब ये ऑलमोस्ट 13:45 यहाँ पे जो देखिए, तो उस टाइम पे मतलब ये 2 बजे के यहाँ पे सेलिंग आ रही है आराम से 85 पॉइंट की, मतलब निफ्टी में सेलिंग आती है यहाँ पे। आज भी यही हुआ, यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास, यहाँ पे 1:45 बजे के यहाँ पे आसपास वही वापस सेलिंग आई यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, क्योंकि हाई तो देखो कल के हाई बना दिया था, ऑल टाइम हाई बन गया था, आज भी बना है यहाँ पे, पर सस्टेन नहीं कर रहा जगह पर। थोड़ा सा जो लास्ट मोमेंट करेक्शन आ रहा है वो ध्यान देने वाली बात है। कंडीशन देखो ट्रेंड अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव है निफ्टी का भी, पर क्या होता है ना जैसे ऑल टाइम हाई पे गया है तो कई लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे क्योंकि जो ऑल टाइम हाई का वेट कर रहे थे, तो वो चीज थोड़ी सी आती है यहाँ पे, तो हल्का फुल्का करेक्शन आने का भी बनता है। और अभी मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करा है वहां पे मोमेंटम बनना, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी पहले कर गए थे, पर अभी भी शेयर आप देखेंगे तो 52 वीक के हाई पे बहुत कम एक आध गिनती के शेयर होंगे जो होंगे वहां पे अच्छी, जो टॉप की कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अभी भी वहां पे नहीं है। आप मैक्सिमम कंपनीज देखोगे तो उसमें भी अभी भी डिप में है, कोई 5%, कोई 10%, कोई 31% अभी भी करेक्शन पे है मैक्सिमम, तो ये वाली चीजें यहाँ पे देखने के लिए। तो अब निफ्टी में तो आ गया इंडेक्स में, तो अब इसमें कल के लिए क्या लेवल्स ले सकते हैं जहाँ पे हम निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आज बंद हुआ है निफ्टी यहाँ पे 18618 के यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो पहली माइनर सी रेजिस्टेंस आएगी ना एक, वो आएगी यहाँ पे, ये आएगी 18643 के यहाँ पे, जो एक लेवल है यहाँ पे, एक माइनर सी रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर 18671 18687 जो आज के इसका हाई है वहां तक आराम से जा सकता है, इसमें मतलब 30-40 पॉइंट का तो ये रहेगा यहाँ पे अप्रोक्स, और उसके बाद तो फिर कितना भी जा सकता है, मार्केट मोमेंटम है निफ्टी का क्योंकि ऑल टाइम हाई के वहां पर है उस जगह पर। अब साथ में एक चीज ध्यान रखना, रिलायंस को, रिलायंस इस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि कल भी जो मार्केट में रिलायंस ने स्ट्रेंथ दिखाई थी उसी की वजह से, रिलायंस की वजह से ही एक तरफा मोमेंटम आया था कल मार्केट में। आप देखेंगे तो रिलायंस करीबन 90-100 पॉइंट चला था, और रिलायंस का 90-100 पॉइंट चलना मतलब बहुत कम टाइम में होता होगा इतना पॉइंट चलना, क्योंकि उसका अगर 2.5% चल गया रिलायंस तो बहुत कुछ होता है निफ्टी के लिए। फिर वो अगर आज भी देखो आप, रिलायंस पॉजिटिव था बाद में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मतलब पॉजिटिव होना भी उसकी अपने आप में स्ट्रेंथ है, तो चीज थी। पर लास्ट मोमेंट की सेलिंग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब पहला सपोर्ट कहाँ बन सकता है, पहला सपोर्ट यहाँ आ सकता है 18577 के यहाँ पे, ये एक माइनर सपोर्ट है इसका यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो आराम से फिर ये 18529 के लेवल तक आराम से आ सकता है इस कंडीशन पे, उसके बीच में एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, ये 18550 के आसपास, ये एक माइनर सा सपोर्ट है अगर इस जगह पर ले लेता है यहाँ पे, तो यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है क्योंकि कल का जो लास्ट मोमेंट का जो सस्टेन करता है इस जगह पर ही करा था, इसलिए सपोर्ट बन सकता है। बाकी तो 18529 है जो हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं यहाँ पे, लाइन बना सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो 18493 के यहाँ पे है जो प्रीवियस सपोर्ट, लास्ट हम तो लास्ट 2 से 3 दिन के सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे, जो मेन हमारे सपोर्ट है काम कर सकते हैं इस कंडीशन पे। अभी भी देखा है तो निफ्टी यहाँ पे बाय डिप का ही मार्केट चल रहा है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में यहाँ पे आप कैंडल देखेंगे तो आराम से बॉटम पे बाइंग का मौका मिलता है यहाँ पे, कल भी मिला आज भी मिला, तो बैक टू बैक मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये अभी बाय डिप का मार्केट चल रहा है इस कंडीशन में। निफ्टी बैंक निफ्टी कंपनी में ज्यादा अभी स्ट्रॉन्ग है, कंडीशन बेटर है क्योंकि बैंक निफ्टी के मतलब ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम ज्यादा दे चुका था वो, तो अभी निफ्टी परफॉर्म कर रहा है अच्छे से ऑल टाइम हाई के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एफआईआई का डेटा क्या कहता है, एफआईआई ने 1241 करोड़ की बाइंग करी है, तो एफआईआई भी 3-4 दिन से कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं तो ये डेटा अच्छा है, और डीआईए ने 744 करोड़ की सेलिंग करी है, तो ओके ओके कंडीशन है हिसाब से, इनकी क्वांटिटी होती है हिसाब से ओके ओके, कुछ ज्यादा ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, पर हाँ एफआईआई बाइंग कर रहे हैं वो अच्छी बात है यहाँ पे मोमेंटम के लिए कहीं ना कहीं चीजें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन लग रही है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक थोड़ा सा ये चीज मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, जो डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो इसमें जो कैंडल बनाई है वो शूटिंग स्टार कैंडल है, और शूटिंग स्टार कैंडल का क्या मीनिंग है, जब ये टॉप पे बनाता है तो मतलब थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर ये चीज बॉटम पे बनी, सपोज करो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता आ रहा है और यहाँ पे एक नेक्स्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनती है सपोज, तो फिर ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होती है। तो शूटिंग स्टार में ये जरूरी नहीं ग्रीन कैंडल बने रेड कैंडल बने, पर ये कहाँ बन गई वो चीज जरूरी है यहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसके, कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल का कुछ हो यहाँ पे देखिए, जैसे ये रहे इस तरीके से, तो इसमें यहाँ देखिए जब भी कैंडल यहाँ पे टॉप पे बनी ना तो उसके बाद यहाँ पे करेक्शन बना फिर इसमें। अब ध्यान देने वाली बात है कल ये लो ब्रेक करता नहीं करता यहाँ पे, जब भी टॉप पे बनी नीचे से यहाँ पे आई, इसमें कलर कैंडल का ग्रीन था यहाँ पे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल है, पर अगर वहां से करेक्शन होकर नीचे आती है
तो फिर थोड़ा सा वहां से दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा ट्रेंड वहां से नेगेटिव बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए क्या लेवल दे सकते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं उसके लिए, तो ये देखते हैं पहले। अब आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को पहला सपोर्ट कहाँ मिल सकता है कल, जो माइनर सा आएगा 4,298 के, यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी बंद कहाँ हुआ है 4,305 के यहाँ पे, तो एक 50-60 पॉइंट के नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है जो एक रेंज है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आएगा 4,287.3 से लेकर 4,284.1 की एक रेंज है यहाँ पे, जहाँ बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अब बैंक निफ्टी के आप शेयर देखिए ना, तो अभी इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे हैं जैसे HDFC हो गया, दूसरे हो गए, और जितना आप HDFC को फोकस जरूर करा करिए जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा मोमेंटम है, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की आती है, ये कंडीशन है। और यहाँ देखिए जैसे ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है, इसमें यहाँ पे 4,3 जैसे यहाँ पे ये 4,3142 से लेकर 4,3164 की एक रेंज है यहाँ पे, इस रेंज पे सपोर्ट मिल सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है बैंक निफ्टी को पहले तो माइनस का, और उसके बाद आ सकता है 4,3277 से लेकर 4,3341, ये दो लेवल्स है उसके ऊपर यहाँ पे लेवल्स रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गोला कर रखा ना, ये वाला एक रेंज यहाँ पे, इस जगह पर भी यहाँ पे काफी अच्छा सस्टेन करा था मार्केट ने, जब इसको ब्रेक करा यहाँ पे तो फिर नीचे की तरफ काफी अच्छा मोमेंटम आया यहाँ पे, और ये लास्ट मोमेंट की सेलिंग है, इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है अभी इसमें, और निफ्टी में ज्यादा सही स्ट्रेंथ दिख रही है अभी कंडीशन के हिसाब से देखा है तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स।